अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि हम किस तरह से मोबाइल पे पढ़ाएं, क्योंकि अब लॉकडाउन है, कोरोना आया हुआ है, तो इसकी वजह से जो है लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मसाइल कम हैं, तो वो चाहते हैं कि हम किस तरह से मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ा के अर्निंग कर सकें। गाइस, आज आपको मैं एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊँगा जिसको यूज़ करके मैंने सऊदी अरेबिया में पढ़ाया है। ए लेवल ओ लेवल की क्लासेज मैंने मोबाइल पर पढ़ाई हैं और यूनिवर्सिटी क्लासेज भी मैंने उसी के ज़रिए पढ़ाई हैं। तो गाइस, बहुत अच्छी ऐप है। तो उस ऐप के बारे में बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। गाइस, तो हम आपको अभी ऐप की तरफ लेके चलते हैं। पहले पहले गाइस, हम आपको ये सिखाएंगे कि आपने उस ऐप को डाउनलोड किस तरह करना है। तो आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है। गाइस, ये मैं प्ले स्टोर पर जा रहा हूँ जी। तो यहाँ पर आके आपने जो है उस ऐप का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माई व्यू बोर्ड। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है माय व्यू बोर्ड, इसको आपने सर्च पे क्लिक करना है। तो ये देखें गाइज, हमारे पास जो है ये ऐप हमारे सामने बिल्कुल आ गई है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ये यहाँ से इसको जो है ये क्लिक करना है। ये देखें, तो ये देखें गाइज, मेरे पास जो है ये पहले से इंस्टॉल शुदा है, तो मैं इसको जो है ओपन करूँगा। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी, तो आपने पहले इंस्टॉल करना है और फिर इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको ओपन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने टैप किया, ये देखिए गाइज मेरे सामने जो है ऐप खुल गई है। तो मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ये इस तरह से खुल जाएगी। तो गाइज देखें, यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सारे टीचर्स के लिए जो भी ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, जो सबसे अच्छी ऐप है। तो गाइज इस पर आप जो है कुछ लोग इससे भी परेशान है कि हम इस पर हैंड से अगर लिखें, हाथ से उंगली से लिखें, तो हमारी लिखाई अच्छी नहीं बनती। तो उसके लिए गाइज आपके 30-40 रुपये खर्चा होगा और आप जो है पेन ले लेंगे। पेन आपको बाज़ार से मिल जाएगा, डिजिटल राइटिंग पेन उसको कहते हैं। तो उसके ज़रिए आप इस पर लिख भी सकते हैं। तो गाइज ये देखें, ये हमारे सामने ऐप खुल गई है। ये गाइज ये मैं ये पेन से मैं लिख रहा हूँ, ये रेज़र है। ये देखें यहाँ पर आप ये मार्कर जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे आप टैप करेंगे तो आपके सामने जो है आप अपने मार्कर से लिख भी सकते हैं। ये देखिए मेरे पास जो है डिजिटल पेन है, तो मैं इसके ज़रिए यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। तो गाइस ये जो है ये मैं डिजिटल पेन के ज़रिए यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। उसके अलावा गाइज अगर आपने मिटाना हो, अगर आप इसको मिटाना चाहते हैं जो आपने लिखा है, तो आप उसको मिटा भी सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये रेज़र, यहाँ पे आप रेज़र पे टैप करेंगे तो आप इसको मिटा सकते हैं। कैसे मिटाते हैं ये देखें, यहाँ पे आप इसको इससे मिटा भी सकते हैं। उसके अलावा गाइज अगर आपने मार्कर का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर जो है मार्कर पर क्लिक करके इसका कलर चेंज करना भी मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर जो है ये देखें, यहाँ पे ये जो फोल्डर बना हुआ है, फोल्डर की पिक्चर बनी है, उसके ज़रिए अगर आप यहाँ पे कोई सवाल दिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो आप वो भी दिखा सकते हैं। फोल्डर पे क्लिक करके आप जो है वहाँ से पिक्चर जो है यहाँ पे उस सवाल की जो है पहले लेके रख लेंगे और उस पिक्चर को यहाँ पे आप लगा भी सकते हैं। ये देखें यहाँ पर अगर उंगली से आप लिखें तो इतना अच्छा नहीं लिखा जाता, इसलिए अगर आप डिजिटल पेन ले लें तो उसके ज़रिए आप यहाँ पर अच्छा सा लिख सकते हैं और अपना सवाल जो है पहले वो निकाल के दिखा सकते हैं, फिर उस सवाल का यहाँ पे सलूशन भी निकाल सकते हैं। मैथ को आप इसको हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई भी सवाल है तो मैं उसको हल कर सकता हूँ कि ये मैं इसको मिटा दूँगा। देखिए फ़र्ज़ किया मैं कोई भी सवाल लिखता हूँ कि अगर हमारे पास 1000 है, 1000 मीटर है, तो उसमें कितने, उसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम क्या करेंगे। 1000 मीटर है, ये देखें जी, अब मैं इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, 1000 मीटर है, तो मैं अगर इसको किलोमीटर में करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, 1000 पे डिवाइड कर दूँगा। ये देखें जी, ये डिजिटल पेन के ज़रिए जो है मैं इसको कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी, नीचे आंसर क्या आएगा आपका, ये देखिए ये 1 आ गया। तो इस तरीके से आप जो है, मैं तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आप छोटा छोटा लिख के, अच्छा अच्छा लिख के आप उसके ज़रिए अपना सवाल हल करके दिखा सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे ये हैंड है, इसके ज़रिए आप इसको हिला सकते हैं। अगर आपने ऊपर लेके जाना है तो आप ऊपर लेके जा सकते हैं, नीचे अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो नीचे भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जो है आपके पास, ये देखें, इसके ज़रिए आप जो है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, जो एरिया आप बताना चाहते हैं उस एरिया को हाईलाइट कर सकते हैं, और ये कट भी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं इसका। ये देखें तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, और आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप उनके ज़रिए जो है, ये रेज़र है तो ये रेज़र के ज़रिए आप मिटा सकते हैं इसको, और रेज़र का साइज़ जो है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, ये नीचे निशान बने हैं उनसे आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो गाइज़ ये बहुत अच्छी ऐप है, आप इसको इस्तेमाल करके ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। शुक्रिया।